हेलो व्यूअर्स, आई एम साजिद महमूद। यू आर वाचिंग पाकटेल मोबाइल स्टोर। आज हम आपको हॉट 10 जो लेटेस्ट मोबाइल आया रिसेंटली, उसके कैमरे का रिव्यू करके दिखाएंगे, कुछ वीडियोस बनाएंगे, कुछ फोटोज़ बनाएंगे, कुछ सैंपल्स बनाएंगे, कुछ आपको दिखाएंगे और इसके बारे में कैमरे में बताएंगे आपको कितनी मेगापिक्सल इसका बैक कैमरे हैं, ट्रिपल कैमरा सेटअप है और फ्रंट कैमरा कितना मेगापिक्सल और कौन कौन से इसमें लेंस इस्तेमाल किए गए हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन हम इसके अबाउट देंगे हॉट 10 के। अगर आप एक कैमरा फुल रिव्यू देखना चाह रहे हैं और इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, अगर आप मोबाइल बाय करने के मूड में हैं तो हमारी ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। जी व्यूअर्स, हम मुख्तसर सी आपसे बात करेंगे, कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कोई लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। हम कुछ वीडियोज़ आप कुछ सैम्पल्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और उसी उन्हीं सैंपल के साथ साथ मैं आपको कवर करता रहूँगा, साथ साथ बताता रहूँगा। फाइनली इस पे बात करते हैं अपने मोबाइल पे जो बैक इसका कैमरा है, जो मैंने यहाँ पे देखा है, इसके आप भी देख रहे होंगे 4 कैमरा सिस्टम है विद LED है। तो हम कुछ इसके फ्यूचर स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं कि ये क्वाड कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का और क्वाड कैमरा किया गया है PDAF के साथ और प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस दिया गया, प्लस 2 मेगापिक्सल इसमें डेप्थ लेंस दिया गया है, प्लस QAVG लो लाइट में भी आपको सही स्कैनर का ऑप्शन देता है, क्वाड LED फ्लैश इसमें दी गई है। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है और ये 1080p 30 तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, आप 2K भी कह सकते हैं। बाकी हम आपको इंशाल्लाह आगे जाके इसका रिजल्ट दिखाते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस अदा करता है। जी व्यूअर्स, फाइनली जो मैंने आपको फ्रंट बैक कैमरे से फ़ोटोज़ लिए हैं, कुछ फ़ोटोज़ के सैंपल दिखा देता हूँ मैं। मैंने जो नोट किया है फ़ोटोज़ में, इसमें मुझे जो इसके बैक कैमरे की जो मैंने फ़ोटोज़ ली हैं उसमें, फ़ोटोज़ में मुझे ये चीज़ नज़र आई है कि इसकी जो फ़ोटोज़ है, अगर मैं लाइट में फ़ोटो बनाता हूँ तो बहुत बेहतरीन फ़ोटो निकल के आती हैं, बैकग्राउंड भी ठीक निकल के आता है। इतना ख़ास नहीं, कितने पैसे उसके हिसाब से एक्सेप्ट करें तो बेहतरीन आता है, लेकिन अगर आप इसको कंप्यूटर में ओपन करेंगे तो पिक्सल भी फटेंगे। तो ये अगर मोबाइल में ये आप फोटोज़ देख रहे हैं तो बेहतरीन नज़र आएगी और इसके साथ नॉइस नहीं भी, अगर चीज़ें वो नहीं नज़र आएगी, आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है कोई भी किसी किस्म की। अगर आप फ़ोटोज़ को इसी के अंदर ओपन कर रहे हैं या किसी और मोबाइल से, अगर आप बड़ी स्क्रीन पर जैसे कि लैपटॉप या कंप्यूटर या इधर बड़ी स्क्रीन पर आप देखना चाह रहे हैं तो उसमें आपको पिक्सल फटके हुए नज़र आएंगे और साथ में आपको इनवॉइस नज़र आएगी। और जो मैंने फ्लो यानी कि मेरे बैकग्राउंड पे लाइट थी तो मैंने उस तरह फ़ोटोज़ बनाई हैं कुछ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उस फोटो के अबाउट जो मैंने आपको सेक्शन किए दे रहा हूँ कि इस फोटो में जब बैक से मेरे लाइट आ रही थी तो मोबाइल ने मुकम्मल तौर पे वाइट कर दिया था सब कुछ, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि मेरे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो इतनी कैपेसिटी नहीं है इसके लेंस की कैमरे में कि वो पीछे से ये कैमरे क्वाड कैमरा इसमें सेटअप है, लेकिन ये कैमरों को इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे, जिस तरह चिपसेट को, जिस तरह इसमें पबजी गेम के लिए G70 चिपसेट लगा दिया है जो जो बहुत एक पावरफुल चिपसेट है, लेकिन इसके बावजूद कैमरों की तरफ तवज्जो नहीं दी गई और इसके बैकग्राउंड से वाइट है। अगर आप पबजी लेवल हैं तो आप बाय कर सकते हैं, कैमरा भी गुजारे के लाइक है, इतना नहीं है इसका जो बैक कैमरा है। तो हम फ्रंट कैमरे की बैक कैमरे की वीडियो की बात कर लेते हैं। मैंने उसे कुछ वीडियो शॉर्ट्स लिए हैं जो आप स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियोस में, इसमें भी मैंने एक तरफ से रोशनी आ रही है उस तरफ से वीडियो बनाई है, ये आपके सामने है जो चल रही है। इसमें जो रिजल्ट्स मुझे नज़र के निकल के नज़र आए हैं तो बहुत बेहतरीन नज़र आ रहे हैं रिजल्ट्स मुझे, और बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा आ रहा है और बाकी फ़ोटोज़ भी काफ़ी अच्छी आ रही है। और जो ओवरऑल वीडियोज़ का मैंने रिजल्ट चेक किया है इसका वीडियो का, ये अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ 2K तक वीडियो बना सकता है, इससे आगे ये वीडियो नहीं बना सकता। अगर इसको वीडियो हम लाइट में डार्क लाइट में, जिनके आपके अगर बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा रोशनी है, लाइट है और आप इससे वीडियो बना रहे हैं तो ऑफिशियली आपके लिए प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये रोशनी जहाँ पे ज़्यादा होगी तो बैकग्राउंड पे तो आपके चेहरे पे ये फोकस नहीं कर पाता, आपके चेहरे को सही तरीके से नहीं ले सकता और बैकग्राउंड भी सही तरीके से नहीं कैप्चर कर पाता, जिसमें ये डिफरेंस रह जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी मोबाइल में यही प्रॉब्लम है। बाकी अगर आप लो लाइट में इसके फ़ोटोज़ कैप्चर करते हैं, वीडियोज़ कैप्चर करते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, स्लो मोशन वगैरह वीडियो बनाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छी फेमस आती हैं।
और कुछ मैंने फ़ोटोज़ इसके फ्रेंड से लिए हैं, मैं कुछ वो भी आपको फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ। फ्रंट कैमरे से मैंने ये दो फ़ोटोज़ लिए हैं, बैकग्राउंड पे लाइट है और एक बार लिया, दूसरी बार पीछे आगे लाइट है, एक फ़ोटो में पीछे लाइट है, आपके दोनों डिस्प्ले करा दिए हैं मैंने, आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे। लेकिन इसमें भी मैंने यही चीज़ नोट की है कि जिसमें लाइट है उसमें बैक में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जिसमें लाइट नहीं है उसमें सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। और इससे आगे मैंने एक पोर्ट्रेट फ़ोटो ली है, वो भी मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। जब मैंने पोर्ट्रेट फ़ोटो ली है तो बहुत अच्छी फ़ोटो आई है पोर्ट्रेट, लेकिन अगर मैं मेरे बैकग्राउंड पे लाइट अगर मैंने वहाँ ली है, जब लाइट में कुछ नज़र ही नहीं आएगा पोर्ट्रेट फ़ोटो क्या बन रही है, उसका कोई खास रिजल्ट नहीं आया, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दोनों दिखा रहा हूँ, राय आपके हाथ में है। और इसे फ्रंट कैमरे में से भी मैंने कुछ वीडियो सैंपल बनाए हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखिए मैंने वीडियो बनाई है, ये भी आप देख रहे हैं, गौर से देख लें, इनके भी कैप्चर पा लें। खास मुझे इतना खास मज़ा नहीं आया, लेकिन किस प्राइस के हिसाब से देखें तो हमें ये एक्सेप्टेबल है, प्राइस भी उसी हिसाब से है मोबाइल की, 6000 mAh बैटरी है इसकी। अगर आप पबजी, एक बड़ा डिस्प्ले है जिस पे आप पबजी गेम इजी इंजॉय कर सकते हैं और इसके साथ खेलने में मज़ा भी आता है, क्योंकि एक बड़ा डिस्प्ले है और ये एक IPS डिस्प्ले है जिसमें सूपली आपको टच भी अच्छा मिलता है और परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है। अगर आप पबजी गेम लब रहे थे, डिवाइस आपके लिए बेटर है, साथ साथ आपका कैमरा भी गुजारा कर जाएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए ऐसे ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन वीडियो आती रहे। ये वीडियो कंसीडर कीजिए या पाकटेल डॉट पीके की तरफ से, जहाँ पे आप मोबाइल की तमाम एक्सेसरीज बाय कर सकते हैं, जैसे कि रिंग लाइटें, बैक केस, ग्लास, रिंग लाइटें, ट्राईपोड, और इसके अलावा मैक कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, ऐसी तमाम एक्सेसरीज वहाँ पे अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अगर आप उसको फॉलो करते हुए जाते हैं तो आपको 5% की डिस्काउंट भी मिलेगी और शिपमेंट भी फ्री मिलेगा। अपने उस साझे महबूब की इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।